हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इन्फॉर्मेशन जारी की गई है जिसमें कितने पद आने वाले हैं, कौन से डिपार्टमेंट में, ठीक है, शिक्षा विभाग में कितना आएगा, पुलिस डिपार्टमेंट में कितना आएगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अनुराग और आप देख रहे हैं नॉलेज रिव्यू क्लासेस चैनल। तो आप चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन लाता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे लाइक नहीं करते हैं तो कर दीजिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार 75,000 पदों पर करेगी भर्ती और छः महीने में 75,000 से ऊपर के जो पद हैं, इससे 75,000 प्लस जो पोस्ट हैं, वैकेंसियां, उसको फिलअप करेगी 6 महीने में, जिसमें से 55,000 जो पद होंगे वो पुलिस के होंगे। आइए हम डिटेल से देखते हैं कि पुलिस के कितने पद हैं और शिक्षा विभाग के कितने पद हैं। चलिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में 75,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया अगले 6 महीनों में पूरी की जाएगी, ठीक है। अगले 6 महीनों में 75,000 से अधिक पदों पर भर्ती करेंगे और जिसमें से जो टीचर वाले हैं वो ध्यान से देखिएगा, अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह क, ख, ग और घ के कुल 22,230 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार जो बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद हैं कितने हैं, 51,112 पदों समेत कुल 55,940 पद पर जो पद हैं वो खाली हैं। अगर वन विभाग की बात किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, तो 4,130 लगभग 5,000 पद खाली हैं। डॉक्टरों की बात किया जाए तो 6,000 पद खाली हैं, ठीक है। और ये जो पोस्ट हैं खाली हैं, इसकी वैकेंसी फिलअप 6 महीने में करेंगे। और आपको मैं और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से इन्होंने जानकारी दी है, 26 सितंबर को साझा किया, क्या बताया कि जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है, ध्यान से सुनिएगा, जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह क, ख, ग और घ के 22,230 पद रिक्त हैं, एकदम बता दिया है। उसके बाद सहायक जो अध्यापक हैं, ठीक है, सहायक अध्यापक के जो बेसिक शिक्षा विभाग है जिसमें सहायक अध्यापक के पद हैं 51,112 पद हैं, जिसमें से कुल पद मिला दिया जाए तो 55,940 पद हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए और कुछ पद है, मैंने वन विभाग की बताया कि लगभग 5,000 पद जो वन विभाग में है, और कल्याण विभाग में अगर बात किया जाए, समाज कल्याण विभाग में 12 पद है, रजिस्ट्रार्ड फार्म सोसाइटी और चिट्स कार्यालय में 83 पद खाली हैं। डॉक्टरों के बारे में मैंने बताया कि इतने पोस्ट खाली हैं। तो ये विभाग बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा, और जो भी कैंडिडेट अगर अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, किसी कारण से तैयारी में ढिलाईपन रखे हैं, तो भैया तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, एक रीज़न मैं बता सकता हूँ वैकेंसी आने की। आप पूछेंगे सर क्या पॉसिबिलिटी, अभी तक तो वैकेंसी नहीं आई। एक कारण हो सकता है कि जो इलेक्शन है 2024 का, तो इलेक्शन से पहले ये कुछ ना कुछ देंगे ताकि अपने इलेक्शन में इसका बेनिफिट ले सकें। तो ये आपको भी पता है, हमें भी पता, सभी भी पता है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो लॉलीपॉप ये देते हैं, तो समझ जाइए कि वैकेंसियाँ आएगी। तो इस वैकेंसी कहते हैं ना, बहते गंगा में हाथ धो लीजिए, तो तैयार रहिए और अपनी तैयारी को पुख्ता किए रहिए। आए तो दे दीजिए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, और शिक्षा विभाग में लगभग 75,000 से ऊपर वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेगी जल्द ही। तो अपनी तैयारी करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा। और देखिए, इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक किया कीजिए। अगर आप वीडियो देखते हैं तो कम से कम एक लाइक कर दिया कीजिए यार, उससे वीडियो प्रमोट होती है और वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है कि हमें कम से कम बच्चे देख तो रहे हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मिलते हैं एक नई वैकेंसी के साथ और नई सूचना के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और लोगों की भलाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।